हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम हरियाणा जीके में बात करेंगे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसे 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव से अलग करके 12वां जिला बनाया गया था। जो फरीदाबाद है, इसे जहांगीर के खजांची, इसको कोषाध्यक्ष भी कह देते हैं, जहांगीर के खजांची या कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने बसाया था, और इसी के नाम पे फिर इसका नाम पड़ा है फरीदाबाद। ओके, थर्ड, जो एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर। जो फरीदाबाद है वह सबसे छोटा जिला हरियाणा का। जो तहसील है फरीदाबाद और बल्लभगढ़, इसका नाम बदलकर बलरामगढ़ भी कर दिया गया है, बलरामगढ़। जो उप तहसील है मोहना और तिगांव। जो तिगांव है, इसे अमर शहीदों का शहर भी कहा जाता है, अमर शहीदों का शहर। फिर जो जनसंख्या है, दो हजार ग्यारह के आंकड़ों के अनुसार, और अब यह जनसंख्या 20 लाख से भी ऊपर हो चुकी है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की ही है। जनसंख्या घनत्व है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा। लिंग अनुपात, सेक्स रेशो 873 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है, 81.2%। जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है मैगपाई, जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो है मैगपाई, जो अपने जो उद्यान है उनके लिए जाना जाता है। ओके, फिर जो प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, तिलहन और गन्ना, ये मुख्य फसलें हैं। प्रमुख उद्योग फरीदाबाद में, सभी जितने भी उद्योग हैं वो फरीदाबाद में ही हैं। सुई से लेकर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, कूलर, बिजली के स्विच, बाइक मोटरसाइकिल साथ के साथ, यहाँ पर आपके बिजली स्विच हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, ट्रैक्टर हो गए, सुई धागे हो गए। ओके, ये मेन उद्योग हैं जो फरीदाबाद में हैं। प्रमुख नदी प्रमुख
नदी यमुना नदी है जो पूर्वी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है किससे? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। इसमें मशीनी उपकरण भी आ जाएंगे, मशीनी उपकरण, टायर्स, रबड़, ये सब आ जाएंगे मुख्य उद्योगों में। सबसे ज्यादा उद्योग है फरीदाबाद में, ओके। और यमुना नदी पर ही अनंगपुर में बांध बनाया हुआ है, यमुना नदी के ऊपर अनंगपुर में बांध मौजूद है, ओके। सबसे ज्यादा अरावली पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं, और इसी वजह से यहां पर बजरी और स्लेट का पत्थर मिलता है, ओके। यहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व भानु सिंह ने किया था। साथ के साथ 1947 तक जो फरीदाबाद है वो ज्यादा विकसित नहीं था, और यह भारत के उन 10 शहरों में से है, भारत के 10 शहरों में से जिसे विस्थापितों के लिए बसाया गया था। और ऐसा दूसरा शहर जो है हरियाणा का वो नीलोखेड़ी है, नीलोखेड़ी ऐसा दूसरा शहर है, ओके। फिर प्रमुख हस्तियां हैं कुछ, जैसे ऋचा शर्मा और सोनू निगम जो कि सिंगर्स हैं, इनका संबंध भी फरीदाबाद से ही है। गौरव सोलंकी जो कि बॉक्सर हैं, और उन्हें 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें गोल्ड मेडल भी मिला उन्हें। और क्रिकेटर हैं अजय रात्रा जो कि विकेट कीपर क्रिकेटर, इनका संबंध भी फरीदाबाद जिले से ही है। फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शिक्षण संस्थान है, 1969 में एस्टेब्लिश किया, और इसको 2018 में इसका नाम परिवर्तित करके जगदीश चंद्र बोस विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, ओके। इसी में आता है एक नाम और, मानव रचना जो कि एक कॉलेज था, इसको मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, और इसका नाम मानव रचना यूनिवर्सिटी बन गया। लिंगराज यूनिवर्सिटी 2009 में एस्टैब्लिश की गई, ओके। सबसे पुराना नगर निगम है। साथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने
इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। ओके, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कहा इंडिया का, जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसे सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया, जबकि पहले पे क्या नाम आता है यहाँ पे, कानपुर। पहले पे किसका नाम आता है यहाँ पे, कानपुर का नाम आता है। ओके, फिर यहाँ पर एक नाम आता है, साइंटिस्ट हैं गगनदीप कंग, गगनदीप कंग साइंटिस्ट हैं जूलॉजी से, ये पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला जिन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया अपने 359 इयर्स के इतिहास में। ओके, हरियाणा युवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन युगविंदर सिंह संधू, इनका संबंध भी फरीदाबाद जिले से ही है। यहां पर एक नाम आता है मेघा जैन, फर्स्ट सिविलियन टू फ्लाई फाइटर प्लेन, पहली महिला सिविलियन है जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया और उस फाइटर प्लेन का नाम था मिग। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं, जो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम राजा नाहर सिंह के नाम पर रखा गया है। ओके, और फरीदाबाद में ही इंडिया का, भारत का पहला बायोटिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, इसमें आते हैं हमारे जो दर्शनीय स्थल हैं फरीदाबाद के, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, या दर्शनीय स्थल कह रहे हैं हम, टूरिस्ट प्लेस तो हमारा मैगपाई है। ओके, फिर इसमें आएगा हमारा दर्शनीय स्थल पहला है सूरजकुंड। ओके, सूरजकुंड का निर्माण तोमर राजा सूरजमल ने करवाया था। ओके, और इसकी आकृति कैसी है, आकृति इसकी उगते हुए सूरज की जैसी आकृति है, और यहां सूरजकुंड मेला भी लगता है फरवरी के मंथ में सूरजकुंड का मेला भी लगता है। दूसरा, भड़कल झील दिल्ली मथुरा हाईवे से 3 किलोमीटर दूर, दिल्ली मथुरा हाईवे से, और इसका निर्माण 1947 में कराया भूमि कटाव को रोकने के लिए। जो तीसरा इसमें आता है हमारा, वो है अरावली का गोल्फ मैदान। इसका डिजाइन, गोल्फ का ग्राउंड है, इसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन के ने कराया। ओके, फोर्थ जिसमें आता है हमारा, ख्वाजा की सराय
ख्वाजा की सराय। यह 300 साल पहले पीर ख्वाजा ने बनवाई थी और इसीलिए इस गांव का नाम भी ख्वाजा की सराय है या सराय ख्वाजा। फिर सूरदास की जन्मस्थली, सूरदास की जन्मस्थली जहां पर उनका जन्म हुआ, सीही नामक गांव में, सीही नामक गांव में उनका जन्म हुआ जो सूरदास है। ओके, फिर राजा नाहर सिंह की हवेली, राजा नाहर सिंह की हवेली। यहाँ पे आता है धौज झील, धौज झील जो सोहना फरीदाबाद मार्ग पर पड़ती है, सोहना फरीदाबाद मार्ग पर। और जो पर्वतारोही है, पर्वतारोही के रोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। ओके, एक है इसमें फरीद टॉम्ब, फरीद टॉम्ब जो संत फरीद की याद में बनाया गया है। ओके, जब हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक जगह है यहाँ पे तिलपत, तिलपत के बारे में अवश्य पूछ लिया जाता है। तिलपत, तिलपत गांव उन पांच गांव में से था जिनको महाभारत के समय में पांडवों ने कौरवों से मांगा था। ओके, उन पांच गांव में था जिसे पांडवों ने कौरवों से मांगा, कौरवों से मांगा था। ओके, फिर जो तिलपत है इसी से जुड़ा हुआ एक नाम आता है, गोकुल जाट या गोकुला जाट। उसने औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ 1669 में विद्रोह किया, विद्रोह किया और मुगल छावनी को भी लूट लिया, मुगल छावनी को लूट लिया था, लूट लिया था। फिर बात आती है मेले के बारे में, तो रक्षाबंधन का मेला और बराही का मेला, ये फरीदाबाद में ही लगते हैं और कालका माता का मेला, कालका माता का मेला ये मोहना में लगता है, कहाँ लगता है, मोहना में लगता है। ओके, तो ये सारा डिटेल में था हमारे किसके बारे में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।